एक और व्यक्ति ऐसे रहे हैं जिनको जो ये हिस्सा मतलब ये जो धर्म नगरी है जिनको सबसे बेहद पसंद आई थी वो व्यक्ति रहे थे वृंदर नारायण चक्रवर्ती, जो हरियाणा के दूसरे राज्यपाल भी रहे हैं और राज्यपाल के कार्यकाल की दृष्टि में जो सबसे लंबा कार्यकाल रहा था वो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का रहा था। और वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती भी एक ऐसे राज्यपाल भी रहे हैं जब उनका कार्यकाल पूरा हो गया था तो उस समय भारत में इमरजेंसी चल रही थी, जो 1975 की इमरजेंसी चल रही थी, तो उस समय इमरजेंसी के दौरान किसी अन्य राज्यपाल की नियुक्ति जो करना था वो थोड़ा सा कठिन काम था। तो उस समय क्या किया गया, जब वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का जो कार्यकाल था जो वो पूरा हुआ तो उनको दैनिक वेतन के आधार पर कि भाई आपके जितने दिन होंगे प्रत्येक दिन की जो वेतन होगा उसके आधार पर उनकी नियुक्ति की गई। हरियाणा के एकमात्र ऐसे राज्यपाल हुए हैं जिनकी दैनिक वेतन मान के आधार पर नियुक्ति की गई थी, वो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती रहे। हरियाणा के एकमात्र ऐसे राज्यपाल रहे हैं जिनके नाम पर हरियाणा के अंदर नहर है, वो नहर चलती भिवानी में। और उनका सबसे ज्यादा खास लगाव था कुरुक्षेत्र से, और कुरुक्षेत्र से जब वो राज्यपाल थे 1976 के अंदर, बेसिकली उनका जो जो उनका स्थान था पैतृक स्थान था वो पश्चिम बंगाल के थे, और जब वो अंतिम समय में कोलकाता के राजभवन में थे तो राजभवन के अंदर कोलकाता के राजभवन के अंदर उनका देहांत हो जाता है। लेकिन उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा में बताया कि भाई अगर मुझे कहीं पर दफनाया जाए तो हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र जगह पर दफनाया जाए। उनका जो देहवासन उनका जो देहांत हुआ था वो कोलकाता के राजभवन के अंदर हुआ था, लेकिन उनके पार्थिव शरीर को हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र में लाया गया और उनको कुरुक्षेत्र में अंदर दफनाया गया था। यानी कि कई ऐसे